जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर फर्स्ट संख्या तथा संख्यांक का बोध अंकों का ज्ञान स्थानीय मान चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 4 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा 5। ध्यान से देखिए, चैप्टर फर्स्ट लेक्चर लेक्चर 5th चैप्टर। दोस्तों फर्स्ट का क्या नाम है ध्यान से देखिए, संख्या संख्या तथा संख्यांक संख्या तथा संख्यांक का बोध बोध अंकों का ज्ञान कामा स्थानीय मान स्थानीय मान। बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत ही आसान है। दोस्तों आप सभी मित्रों को इसके पहले लेक्चर यानी कि लेक्चर 4 में मैं दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को संख्या के प्रकार के बारे में चर्चा किया है। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, उस पर मैंने विधवा से चर्चा कर ली। आज दोस्तों मैंने कहा था कि उनसे संबंधित दोस्तों जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कराऊंगा। तो एक बात सर से ही निगाह से मैं संख्या के जो प्रकार है वो यहाँ पे चार्ट बना के दिखा दे रहा हूँ, उसी चार्ट से दोस्तों मैं आपको नोट पॉइंट लिखवाऊंगा जो दोस्तों आपके एग्जाम में लगभग हर बार दोस्तों वस्तुनिष्ठ में यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं या अति लघु में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों जो मैं चार्ट बनवा रहा हूँ वो तो आपने बना के रखा होगा, यदि नहीं देखा है तो लेक्चर 4 दोस्तों जरूर देखिएगा, संख्याओं के प्रकार को दोस्तों जरूर देखिएगा, ठीक है। और उसके दोस्तों मैं नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैंने कौन संख्या बताई थी, क्या होती संख्याएं 3 प्रकार की होती, कौन कौन सी दोस्तों, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सममित संख्याएं। फिर दोस्तों वास्तविक संख्याएं मैंने कहा था आपको पढ़ना आपके सिलेबस में है, तो ध्यान समझिए, वास्तविक वास्तविक संख्याएं मैं विस्तार से यह नहीं बताऊंगा, सिर्फ पॉइंट समझाने के लिए दोस्तों मैं ये चार्ट बना रहा हूं। वास्तविक संख्याएं दोस्तों, वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया था, कौन कौन सी दोस्तों 2 भाग थे हमारे पास, पहला भाग दोस्तों परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स। क्लियर हो गया, ये रियल नंबर्स हो गए, ये परिमेय संख्याएं और क्या होगी अपरिमेय संख्याएं होंगी। दोस्तों परिमेय संख्याएं क्या होती हैं देखिए, ये 0, ये -1, +1 और फिर दोस्तों इधर कहां तक इन्फिनिटी तक, ठीक है। इधर क्या -1 प्लस सॉरी 0 का +1 है, +2 होगा ना, यहां पर +1 +2, इधर -1 -2, यहां तक कहां तक इन्फिनिटी तक, इधर भी हो गया दोस्तों, ठीक है। ये कहां तक अनंत तक, ठीक है। और क्या जैसे 2/3, 5 माइनस का 5/2, ठीक है, 0.5, 5.3, ठीक है। ये दोस्तों जितनी भी संख्याएं होती है परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आप परिमेय संख्या क्या होती है ध्यान समझिए, क्या जैसे कि √2, √3, √5, √7 एंड पाई, ये हमारी क्या अपरिमेय संख्या होती है। कहे मैंने बहुत अच्छे समझाया कि परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या है, लेक्चर 4 को देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मुझे यहां पर दोस्तों सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ समझाना है यहां पर और नोट पॉइंट लिखवाना, इसलिए बनवा रहा हूं, ठीक है। परिमेय संख्या को दोस्तों मैंने बांटा था किसमें, पूर्णांक इंटीजर्स और क्या दशमलव संख्याएं, दशमलव
संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक में दोस्तों कौन कौन संख्याएं आती हैं हमारी, ध्यान समझिएगा। पूर्णांक में यही बना देता हूं, ये जीरो हो गया, प्लस वन, प्लस टू, और ऐसे दोस्तों कहां तक, इन्फिनिटी तक, माइनस वन, माइनस टू, यहां तक, कहां तक, इन्फिनिटी तक। और दशमलव संख्या जैसे 2.5, 6.3, ठीक है, 0.5, ये सभी क्या हो गई हमारी दशमलव संख्या हो गई। फिर पूर्णांक संख्याओं को भी दोस्तों बांटा गया है, ध्यान समझिएगा कौन कौन संख्याएं में पूर्णांक संख्याओं किस किस में बांटा गया। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और दोस्तों पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं, काउंट करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, कहाँ, इन्फिनिटी तक। और शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों हमारी क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं। ये दोस्तों हमारे यहाँ तक हो गया। फिर दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं को दोस्तों चार भागों में बांटा गया, प्राकृतिक संख्या को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया, चार भागों में बांटा गया। देखिए कौन कौन सी चार भाग दोस्तों कौन से होंगे, सम संख्या, सम संख्याएं, सम संख्याएं होंगे, ठीक है। कौन कौन सी थी सम संख्याएं दोस्तों, ध्यान समझिए, जैसे कि दो, चार, छः, ऐसे कहां तक दोस्तों, इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। इस चार्ट को दोस्तों मैंने क्या लेक्चर फोर में बहुत विधिवत से समझाया है। और विषम संख्याएं दोस्तों क्या क्या हमारी होती हैं, इससे एक, तीन, पाँच, सात, नौ, और ऐसे दोस्तों कहां तक, इन्फिनिटी तक। फिर दोस्तों कौन सी भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, ये दोस्तों क्या क्या इसके एग्जांपल हैं, भाज्य संख्याओं के दोस्तों एग्जांपल समझिए ध्यान से। जैसे कि दोस्तों जिसके क्या हो, दो से अधिक फैक्टर हो, तो चार, छः, आठ, ये दोस्तों हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। उसके बाद दोस्तों हमारी अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हों, अभाज्य संख्याएं। दोस्तों इनके क्या एग्जांपल होंगे ध्यान से समझिएगा, इसके दोस्तों जो एग्जांपल होंगे कितना, दो, तीन, ठीक है, पाँच, सात, ग्यारह, ऐसे जिनके केवल दो गुणनखंड हों, ठीक है। ये दोस्तों हमने संख्या चार्ट आपको विधिवत से बनवाया था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए प्रश्न, मतलब कैसे पूछा था, नोट पॉइंट में लिखवा दे रहा हूँ, इन नोटों को, इस जो नोट पॉइंट को दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है। सीधे मैं यहाँ से आता हूँ, प्राकृतिक संख्याएं और फिर सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य भाज्य संख्या, यहाँ से खूब प्रश्न बनता है। दोस्तों ध्यान समझिए, पहला पॉइंट क्या लिख रहा हूँ मैं, और एक दोस्तों यहाँ भी लिख लीजिए, ये अपरिमेय संख्या, पाई बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों जो पाई होती है, पाई, पाई अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इसका मान जो 22/7 होता है, वह हमारी परिमेय संख्या होती है। जो पाई तो अपरिमेय संख्या, पर जो 22/7 लिखा होगा वह हमारे परिमेय संख्या है। फिर दूसरा देखिए पॉइंट दोस्तों, सभी सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसका मतलब क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती, इसका सेंस क्या है। मैंने कहा जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। यानी देखिए प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, एक, दो, तीन, और पूर्ण संख्या क्या, जीरो से सम्मिलित होती है, जीरो से सामने चालू होती है। यानी कि एक, दो, तीन, देखिए इसमें एक, दो, तीन भी सम्मिलित है भाई। प्राकृतिक संख्या क्या है, जिनके द्वारा वस्तुओं को गिनते, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और पूर्ण संख्या दोस्तों कहाँ से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, इन्फिनिटी तक, पर इसमें जीरो भी सम्मिलित है। इसीलिए कहा गया कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यह पॉइंट दोस्तों दिया होगा कहीं पर तो सही माना जाएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। अगला देखिए इसका उल्टा क्या, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक
सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, इसका मतलब क्या है? और समझ भी गए हमें क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, मतलब क्यों? क्योंकि जीरो इसमें नहीं है, इसलिए सभी, यदि कह रहा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। कहीं पर यदि लिखा मिल जाए तो गलत, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, जबकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्लियर हो गया? अगला दोस्तों पॉइंट देखिए, चौथा, ध्यान से, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है देखिए, आपसे पूछा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, क्या पूछा आपसे पूछा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, दोस्तों लिख लीजिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों कौन सी? एक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों कौन सी, यदि आपसे पूछ ले पेपर में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों कौन सी है, एक, और सबसे बड़ी, तो बड़ी का कुछ नहीं क्योंकि अनंत तक जाता है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपसे पूछेगा तो एक होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या से दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है यहां से, अनुवर्ती संख्याएं या उत्तरवर्ती संख्याएं या परवर्ती संख्याएं, ठीक है, और पूर्ववर्ती संख्याएं, इनको भी दोस्तों कराऊंगा आगे दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या था, अगला पॉइंट, नोट पॉइंट का पांचवा पॉइंट, सबसे छोटी सम संख्या आपसे पूछता है, क्या पूछता है? सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या दोस्तों कौन सी? दो है, तो लिखेंगे सबसे छोटी सम संख्या दो है, सबसे छोटी सम संख्या कितनी? दो है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगला पूछता दोस्तों छठा पॉइंट, सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या दोस्तों कौन सी? एक, इसको भी लिख लीजिए, क्या सबसे छोटी विषम संख्या एक है, विषम संख्या क्या? एक है, क्या? और एक क्या सबसे छोटी भी प्राकृतिक संख्या है? एक, यहां क्या लिखा था आपने, यहां सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, और सबसे छोटी विषम संख्या भी दोस्तों क्या है? एक ही है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों, ठीक है, अगला पॉइंट देखिए ध्यान से, सातवां पॉइंट कह रहा है देखिए, भाज्य, सबसे छोटी समभाज्य संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, लिखिए क्या, एक पॉइंट, सबसे छोटी क्या होगी, आप सोचिए, यहां लिखा है सबसे छोटी समभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या है? मतलब सम और भाज्य, मतलब क्या? भाज्य तो देखिए चार है, चार सम भी है और भाज्य भी है, चार कैसे दोस्तों हमारी सम संख्या है कि नहीं? चार को सम कैसे है? क्योंकि दो से यदि इसको सम संख्या क्या होती है? जिन्हें हम दो से यदि भाग करें तो पूर्णतया कट जाए, तो चार को यदि हम दो से भाग करें तो पूर्णतया कट जाएगा कि नहीं? तो यह भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है, तो आप बताएंगे सबसे छोटी समभाज्य संख्या चार है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या कितनी? चार है। चलिए इतने पॉइंट नोट कर लीजिए, अभी और पॉइंट लिखवाने हैं। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं ऊपर के पॉइंट हटा रहा हूं यहां से, ये नोट पॉइंट दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए यहां तक हटाते रहो, क्योंकि यहां से दोस्तों वस्तुनिष्ठ में और अति लघु में हर बार दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है,
दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दें, जिससे आपके अदर भाई बहन भी इस वीडियो को देख पाएं। और दोस्तों आप अपनी संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाइए, आप लोगों की संख्या दोस्तों बहुत कम रहती है, आप बहुत कम लोग क्या इस वीडियो को शेयर करते हैं, इसलिए जितने लोग देखते हैं कम से कम उतने लोग शेयर जरूर किया करें। और दोस्तों आप सभी मित्र लाइक भी जरूर किया करें, वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या देखिए आठ, मतलब प्रश्न संख्या आठ क्या मतलब पॉइंट नंबर आठ, सबसे छोटी समभाज संख्या दोस्तों क्या है, चार। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या ये बताइए क्या होगी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी। देखिए मैंने लिखा चार, लिखा छह, लिखा आठ, लिखा भाज्य संख्या क्या होती है जिनके दो से अधिक फैक्टर हो। अब आठ के बाद दोस्तों क्या आएगा, नौ। आठ के बाद दोस्तों क्या आएगा, नौ आएगा। तो दोस्तों नौ कैसी संख्या हमारी, नौ दोस्तों हमारी कैसी भाज्य, नौ के बाद क्या दस आएगा, दस हमारी दोस्तों हमें, लेकिन सबसे छोटी आपसे पूछा गया सबसे छोटी विषम भाज्य, इस विषम पर विशेष फोकस करिए, विषम भाज्य संख्या है। तो विषम दोस्तों नौ हमारी कैसी संख्या है, विषम देखिए इसमें भी शामिल है, नौ दोस्तों हमारी कैसी संख्या, विषम संख्या, यानी कि सबसे छोटी जब भी आपसे पूछेगा विषम भाज्य संख्या तो दोस्तों नौ बताएंगे, और जब आपसे पूछेगा सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो आप चार बताएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या दोस्तों कौन सी है हमारी, नौ है, नौ है, ठीक है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर नाइन, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या सबसे पहली अभाज्य संख्या या सबसे पहली अभाज्य संख्या, इन दोनों का सेंस समझिए, क्या कह रहा है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है जिनके क्या होते हैं केवल दो गुणनखंड होते हैं। देखिए सबसे मैंने लिख रखा है सबसे छोटी दोस्तों अभाज्य संख्या कितनी, दो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, और यहां आगे पूछा है या सबसे पहली अभाज्य संख्या, पहले नंबर पे कौन लिखी, दो है। तो चाहे आपसे पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तब भी आप दो बताएंगे, और सबसे छोटी या सबसे पहली अभाज्य संख्या बताइए तो दो बताएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, दो, इसका आंसर क्या होगा, दो है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या सबसे पहली अभाज्य संख्या दो है, क्लियर होगा। अगला दोस्तों पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर टेन, ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होगी। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सबसे छोटी आपसे पूछा है विषम अभाज्य संख्या, देखिए दो तो हमारी सम है, उसके बाद क्या दोस्तों तीन, तीन भी, तीन स्वयं तीन से कटेगी और एक से कटेगी, इससे तीन भी दोस्तों हमारी अभाज्य संख्या। तो आपसे पूछा क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य, और तीन देखिए हमारी क्या है, विषम भी संख्या है, तीन भी हमारी दोस्तों क्या, विषम संख्या है, यानी दोस्तों सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी होगी, तीन है, तीन है, ठीक है। और अंतिम पॉइंट दोस्तों एक और लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 11, एक दोस्तों ध्यान समझिए, एक, चलो नीले से लिखता हूं इसको, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, एक को ना तो भाज्य, देखिए आप जो भाज्य संख्या कहीं इसमें काउंट किया भाई, भाज्य की संख्या क्या होती है जिनके दो से अधिक फैक्टर हो, और भाज्य संख्या में तो क्या हो? क्यों आपकी एक भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दोस्तों भाज्य संख्या की परिभाषा जो होती है क्या होती है, कि जिसके क्या हो,
एक से क्या दो से अधिक फैक्टर हो, तो दो से अधिक फैक्टर यानी कि तीन या तीन से अधिक कह ले, तो दो से अधिक होने का मतलब देखिए चार के चार एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार से का तीन फैक्टर हुआ, एक के दोस्तों एक तो एक ही से कटेगा, एक ही फैक्टर है। और अभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं की परिभाषा होती है कि कम से कम उसके दो गुणनखंड होने, मतलब दो गुणनखंड होने ही चाहिए। अभाज्य संख्याएं तभी होंगी, प्राइम नंबर हमारे तभी होंगे जब उनके दो गुणनखंड होंगे। अब देखिए दो दो से कटेगा स्वयं से और एक से कटेगा, दो गुणनखंड होगा, तीन तीन से कटेगा और एक से कटेगा, पांच पांच से कटेगा एक से कटेगा। तो देखिए सबके जितने भी नंबर लिखे हैं सबके दोस्तों गुणनखंड कितने हैं, यहां पर दो हैं, और एक तो दोस्तों सिर्फ एक से कटेगा और तो कोई है ही नहीं, इसलिए दोस्तों एक को ना तो भाजी में रखा गया है और ना ही अभाजी में रखा गया। ये दोस्तों मैंने आपको 11 पॉइंट लिखा है जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में लगभग हर बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों इन 11 पॉइंटों को दोस्तों बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अपरिमेय संख्या जो मैंने पहला पॉइंट पाई जो है, अपरिमेय संख्या लगभग पूछ लिया जाता है इससे, या रूट टू रूट थ्री ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, रूट फाइव रूट सेवन जिनका ठीक ठाक क्या मान ना निकले। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों चर्चा करते हैं, चलिए पहले इसको हटा देता हूं। चलिए भैया देखिए आप प्राकृतिक संख्या से मैंने दो हेडिंगें आपको बताई थी, एक क्या अनुवर्ती संख्या एक पूर्ववर्ती संख्या। तो आप पहले हेडिंग डाल लीजिए, अनुवर्ती संख्या अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। ये तीन नाम दोस्तों, चाहे आपसे अनुवर्ती कहे, चाहे परवर्ती कहे, चाहे उत्तरवर्ती कहे, तीनों का सेंस एक ही है, सब सीक्वेंट नंबर्स संख्या कर लीजिए। ध्यान समझिए क्या कह रहा है, अनुवर्ती संख्या या आपसे कहे परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है दोस्तों। जो अनु का मतलब होता आगे का, जस्ट आगे का, अनु का पर का और उत्तर का, इन तीनों का सेंस होता जस्ट उसके आगे का, क्रमागत। कहने का मतलब क्या है, क्या मैंने बताया, चाहे अनु आपसे कहे, चाहे आपसे पर कहे और चाहे उत्तर, इन तीनों का सेंस होता आगे का। जो भी संख्या प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती संख्या परवर्ती संख्या उत्तरवर्ती सारी संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो प्राकृतिक संख्या जो भी दे रखी उसमें एक ऐड करके दोस्तों हम क्या जो संख्या प्राप्त होगी वह दी गई संख्या की क्या कहलाएगी, हमारी अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। क्या जो भी संख्याएं आपको दे रखी होंगी, जो भी संख्याएं दे रखी होंगी उसमें हम क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। अनुवर्ती परवर्ती उत्तर संख्या सब कब प्राप्त होंगी, जब हमारी संख्या जो भी संख्या दे रखी होगी उसमें हम एक ऐड कर देंगे, और एक ऐड करने पर हमें क्या उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और जैसे अनुवर्ती में एक ऐड करेंगे तो अनुवर्ती की अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। जब प्रश्न कराऊंगा तो ये बात क्लियर होगी कि अनुवर्ती की अनुवर्ती संख्या आपसे पूछता है, तो जब मैं प्रश्न कराऊंगा तो ये बातें
अच्छे से डिस्कस करूंगा, इन पर चर्चा करूंगा। तो अनुवर्तिक है या परिवर्तिक है, इसका मतलब क्या होता है, जो दी गई संख्या होती है उसमें एक ऐड कर दे। कौन सी दी गई संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या। उस दी गई प्राकृतिक संख्या में जब भी आपसे अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या परवर्ती कुछ भी पूछे, तो दी गई संख्या में हम एक ऐड कर देंगे। जो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी वही दोस्तों हमारी क्या कहलाएगी? अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। देखिए कैसे, डिफिनेशन के तौर पर इसको लिख लीजिए, फिर मैं अच्छे से अभी समझाता हूं। चलिए पहले समझा देता हूं। जैसे 5 दे रखा है, ठीक है, अब इसकी अनुवर्ती संख्या पूछेगा, तो मैंने कहा जो संख्या दे रखी है उसमें आप एक ऐड कर दें, और एक ऐड करने पर जो संख्या प्राप्त हो जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी? अनुवर्ती संख्या कहलाती है। तो यहां से डिफिनेशन क्या लिख ली कि दी गई संख्या में ठीक है, यदि हम एक जोड़ दें, दी गई संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। नहीं समझे क्या? दी गई संख्या में, तो 5 हमारा दिया गया था, दी गई संख्या में एक जोड़ दें तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। डिफिनेशन समझ गए? रटना तो पड़ेगा नहीं, और निकालना बहुत ही आसान है। दी गई संख्या में ऐड कर दे, तो क्या करेंगे दोस्तों? दोस्तों खूब प्रश्न पूछ रहा था, यहां से लिख लीजिए। क्या दी गई संख्या में, दी ऐसे लिख लीजिए, यदि दी गई संख्या में एक जोड़ दे, यदि दी गई संख्या में एक जोड़ दे तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती या परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है, कि अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी क्या? यदि दी गई संख्या में एक जोड़ दें तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर उदाहरण समझाता हूं। चलिए देखिए, उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण ध्यान से देखिए। पहला उदाहरण आपसे पूछ रहा है 5 की अनुवर्ती संख्या। अच्छा दोस्तों, अनुवर्ती संख्या प्राकृतिक संख्याओं में ही निकलेगी, ठीक है, 5 की अनुवर्ती संख्या, चाहे तो यहां लिख सकते हैं दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दे तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या, चाहे यहां तो यहां ऐड कर लीजिए, यदि दी गई प्राकृतिक संख्या में, यहां आप प्राकृतिक संख्या ऐड कर लीजिए, प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दे तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या में ही संभव हो। चलिए मैं ही जोड़ दे रहा हूं, यदि दी गई प्राकृतिक, ठीक है, जिससे आपको यह भी क्लियर हो जाए, या आपसे कभी पूछ ले कि अनुवर्ती संख्या किस, कौन सी संख्याओं की निकलती, तो प्राकृतिक संख्याओं की, या दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दें तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। देखिए 5 की अनुवर्ती संख्या क्या कहलाएगी? 5, और इसमें क्या कर देंगे? एक ऐड कर दें, तो कितना हो गया हमारा? 6 हो गया, यानी कि 5 की अनुवर्ती संख्या 6 हो गई। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, 99 की अनुवर्ती जो है इस पर क्या लिख लें? परवर्ती लिख लें। तीनों नाम भैया एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने तीनों नाम को यहां पर मेंशन कर दिया, बता दिया है क्या 99 की परवर्ती संख्या बताइए, तो 99 और इसमें क्या कर दें? एक ऐड कर दें, तो कितना हो जाएगा? 100। तो 99 की हमारी दोस्तों परवर्ती संख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी।
ठीक, एक और लिख लीजिए, तो समझ गए होंगे ना। 1001 की उत्तरवर्ती संख्या, तो दोस्तों क्या होगा, 1001 की उत्तरवर्ती संख्या, तो दोस्तों क्या करेंगे, 1001 में एक को ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1002, भाई 112 हो गया, बाकी सब वैसे नोट कर लिया। तो ये दोस्तों हमारे एग्जांपल हो गए। तो दोस्तों अनुवर्ती संख्या, परिवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या निकालना बहुत ही आसान, जो संख्या दे रखी है उस संख्या में हम एक ऐड करके जो संख्या मिल जाएगी वह संख्या दी गई संख्या की क्या कहलाएगी, अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। तो दोस्तों बहुत ही आसान है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। कल की क्लास में दोस्तों पूर्ववर्ती संख्या जो होगी उस पर चर्चा करेंगे और अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या से संबंधित जो एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी दोस्तों कल के लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। तो कल का भी लेक्चर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि कल दोस्तों आपको पूर्ववर्ती संख्या सीखने को मिलेगा और इन दोनों से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे भी दोस्तों चर्चा करूंगा। तो कल की क्लास दोस्तों जरूर देखिएगा और आज की क्लास को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, और यदि वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।